हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज हम एक पाउच बनाना सीखेंगे, जो कि ये पाउच जो होता है काफ़ी यूज़फुल रहता है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे पाउच बनाकर रखते हो तो अपना जो भी छोटा छोटा सामान होता है उसको बहुत ही अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, और आप छोटा और बड़ा किसी भी साइज़ का बना के रख सकते हो। तो आज वाला जो मैंने ये पाउच बनाया है, मेरे पास जो ऊन होती है, वूल होती है, बची हुई थोड़ी थोड़ी वूल होती है ना, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने आज वाला जो ये पाउच है, इसीलिए मैंने वूल के लिए ही बनाया है। तो ये देखिए, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, बनाना आप ज़रूर। और छोटे या बड़े साइज़ के ऑर्गेनाइज़र ऐसे आप कई सारे बना के अपने अलमारी में रख सकते हो, और जो आपका छोटा छोटा सामान रहता है इसमें आप कुछ भी रख सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने एक फैब्रिक लिया है जो कि ब्रोकेट फैब्रिक है, ये देखिए। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पूरी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पर ना थोड़ी सी मैं लेस लगा लूँगी, इसको डिज़ाइनिंग कर लूँगी, थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक दे लूँगी, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ना इसका डिज़ाइन। अभी देखो कैसा लग रहा है ये, जब मैं लेस लगा के आपको दिखाऊँगी ना, फिर देखना थोड़ा सा एकदम सा उठा उठा सा लगेगा ये डिज़ाइन। तो ऐसे बीच बीच में मैं क्या करूँगी, इसमें लेस लगा दूँगी, और आपने जब भी ऐसे तिरछे में लेस लगानी है जैसे मैं ये लगा रही हूँ, तो आपने एक बात का ध्यान रखना, आपने कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस साइड को तिरछा हो जाता है ना कपड़ा, अगर आप खींचोगे तो यहाँ पे फिर झोल पड़ जाएगा। तो बिल्कुल धीरे धीरे हमने लेस को रख के, और कपड़े को बिल्कुल भी हमने खींचना नहीं है। तो एक साइड से मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये देखो। अब मैं ऐसे ना थोड़ा दूसरी साइड को भी इसी तरह से पूरा इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट कर लिया है मैंने पूरा। अब देखो कितना हाईलाइट हो गया ना, कितना अच्छा लग रहा है। अब नीचे वाली साइड मैंने लाइनिंग रखी है, तो पहले मैं चारों तरफ से लाइनिंग को अटैच कर लूँगी। ये देखिए लाइनिंग मैंने अटैच कर ली है, एक्स्ट्रा जो इसकी लाइनिंग आपको दिख रही है और लेस, इसको मैं कट कर दूँगी, और यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा है ना, तो इसको भी बराबर कर लूँगी। ये देखिए ऐसे मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब हमने देखो क्या करना है, इसके दो पीस हमने कट कर लेने हैं, हमें दो पीस चाहिए। तो ये देखिए दो पीस हमने कट कर लिए, तो दो पीस हमने कट कर लिए हैं। तो ये 11x11 का मेरा जो है पूरा 11x11 का, ये दो पीस हो गए 11x11 के। अब देखिए आगे हमने क्या करना है, अब ऊपर से हमने ना हल्की सी गुलाई देनी है इसको, ये देखिए इतनी सी ऊपर से गुलाई हम दे लेंगे ऊपर वाली साइड से, जहाँ पे कि हमने जिप लगानी है। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मैं ऐसे ही रख के, ये देखो ऐसे करके, और इस साइड पे भी गुलाई दे लूँगी। तो पूरा बराबर से करके हमने रखना है इसका, नीचे से बॉटम भी बराबर से आए, ये देखिए। तो गुलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जिप अटैच करनी है, तो लाइनिंग हमने लगा ली है, ये देखिए। तो ये जिप मैंने ली है, निशान मैंने लगा लिया है कि कहाँ तक हमने जिप लगानी है। थोड़ी सी बड़ी है जिप, तो इसको मैं कट कर लूँगी, और इस साइड को थोड़ी एक्स्ट्रा रहने दूँगी, बाद में हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं से हमने गुलाई में धीरे धीरे जिप को लगाते जाना है, और गुलाई पे हमने कपड़े को ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो यहाँ पे झोल आएगा। ये देखो पूरा गुलाई में हमने धीरे धीरे इस पर सिलाई लगानी है, और जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ तक हमने सिलाई को लेकर जाना है। जिप को आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है, बाद में इसको कट कर लेंगे। तो एक साइड से मैंने जिप को लगा लिया है, अब हमने लाइनिंग अटैच करनी है। एक और लाइनिंग मैं लगाऊंगी जो कि बैग के अंदर लगी रहती है लाइनिंग, वो वाला कपड़ा जो होता है ना बैग के अंदर, रेडीमेड जो बैग होते हैं उनमें लगा होता है, वो वाला फैब्रिक मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये देखिए, तो ये भी फैब्रिक मैंने यूज़ कर लिया है, स्टिच कर लिया इसकी जिप के साथ। इसके साथ क्या है कि जिप की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाएगी। सॉरी, अब ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मैं जिप को अटैच कर लूँगी। ये देखो यहाँ पे भी मैंने जिप को अटैच कर लिया, तो फिनिशिंग कितनी अच्छी आई ना लाइनिंग लगा के।
अब ये देखिए, फिर से मैं इस साइड को लाइनिंग को रखूँगी ऊपर से और गुलाई में सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है जिप की। इसके साथ क्या होगा, देखो जिप की जो फिनिशिंग अच्छी आएगी और इसमें कोई कपड़ा वगैरह भी, हमारा धागा वगैरह नहीं अड़ेगा। अब ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखो, धीरे धीरे करके हमने कपड़े को सेट करते जाना है और बिल्कुल आराम से, गुलाई है ना यहाँ पे, तो गुलाई में हमने सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप रनर जो है बाद में डाल सकते हो, लेकिन मेरी आदत है ना, रनर मैं पहले से ही डाल लेती हूँ। इस साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। अब हमने आगे क्या करना है, दोनों साइड पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। तो अब हम इसको बिल्कुल बराबर करके रखेंगे, ये देखिए, और सारे पीस जो हैं हमारे, ये देखो, इनको अटैच कर लेंगे। आप लाइनिंग को बाद में सिलाई लगाना चाहो तो अलग भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आसान तरीके से आपको बता रही हूँ ना, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम सारे पीस जो हैं देखो ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो जिप के ऊपर हमने धीरे धीरे से मशीन चलानी है, बिल्कुल धीरे धीरे से। और अब ये जो तीन साइड है ना हमारी, इनको हम स्टिच कर लेंगे। पहले मैं दोनों ना साइड साइड के सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो अब इस साइड पे भी और नीचे वाले साइड पे भी। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, अगर आप अपनी अलमारी में छोटे छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के, जितने भी साइज़ के आप चाहिए, आप बना के रखोगे अलग अलग, जो ऑर्गेनाइज़र में अपना अलग अलग सामान रखोगे, तो कभी भी आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से अपना सामान मिल जाएगा। जैसे आप कोई हैंकी वगैरह या अपनी सॉक्स वगैरह और भी अपना जो छोटा मोटा सामान होता है ना, इनमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, और छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हो। अब मैं ना फिनिशिंग के लिए, देखो, मैंने एक पट्टी कट करके यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा दूँगी और इसकी फिनिशिंग आ जाएगी अच्छे से। तो काफ़ी सारी वीडियोस में आपको इंटरलॉक करना ही बताती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि आपको कपड़े के साथ फिनिशिंग करना भी बता दूँ। ये देखिए, वैसे ही तीनों साइड पे मैं कर लूँगी। और फ्रेंड्स, ये बैग बनाते वक्त ना मेरे से एक गलती हुई थी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या गलती हुई थी। मैंने ना नीचे जो इसका बेस है, पहले मैंने ऐसे बना लिया, ये देखो, ऐसे मैं बनाने लगी थी एक इंच का, लेकिन जब मैंने ऐसे इसको स्टिच किया ना, तो इसका बेस बिल्कुल भी ये ब्रॉड नहीं आया नीचे से, क्योंकि मैंने एक इंच का बेस बना दिया था। फिर मैंने क्या किया, इसको उधेड़ लिया, फिर से मैंने इसको कट किया 2x2 का। तो ऐसे सिलाई लगाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन सिलाई तो लग गई थी, बट जो इसका बेस था ना, बिल्कुल अच्छा नहीं आया था। तो अगर आप भी ऐसे ही कोई 11x11 का बना रहे हो ना, ये देखो इतना छोटा सा बना था, फिर मैंने सीधा किया, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि इसका बेस जो था चौड़ा नहीं हुआ, तो बिल्कुल शेप भी इतनी अच्छी नहीं आई। ये देखिए, ये देखो, फिर मैंने इसको क्या किया, इसको फिर से कट किया, ये देखो 2x2 का फिर मैंने कट किया ये। तो ये मेरे से गलती हुई थी, तो मैंने कहा मैं आपको पूरा बताऊँगी कि ऐसा अगर 1x1 का बेस बनाओगे तो इसकी शेप जो है बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो ये देखिए, फिर मैंने ना 2x2, तो ये देखिए 2x2 का मैंने ये बॉक्स बनाए हैं। जब ये 2x2 का मैंने बनाया ना, तो काफ़ी अच्छा लुक आया फिर इसका नीचे से, और शेप भी अच्छी आई। तो छोटा सा मैंने जो बॉक्स बनाया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं पूरा ये बता दूंगी कि अगर 1x1 का बनाओगे तो उसकी शेप जो है इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो 2x2 का मैंने बनाया ना, तो देखो एकदम से इसका जो बेस था काफ़ी खुला हो गया, ये देखो कितना स्पेस हो गया नीचे से। और सीधा करके आपको दिखाती हूँ अब मैं इसका लुक जो आया है, बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। तो ये देखिए अब कितना चौड़ा आया ना नीचे से, कितना ब्रॉड सा हो गया 2x2 का बॉक्स, और शेप भी इसकी बहुत अच्छी आई नीचे से थोड़ा सा, ये देखो, अब देखो कितना अच्छा लुक लग रहा है ना। पहले बिल्कुल सीधा सा लगा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उधेड़ के फिर से 2x2 का इसको कट किया। तो फ्रेंड्स, आप बताइए ज़रूर, बताना ज़रूर कमेंट करके, अपने प्यारे प्यारे कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप कमेंट करते हो ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से, जो भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट आपको बताती हूँ, आसान तरीके से आपको बताऊँ, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप बना सको।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।